आज मैं आपको आंवले की चटनी बनाना बताती हूँ। वैसे तो आंवले कोई भी चटनी है आप मिक्सी में कर सकते हैं, लेकिन आंवले की चटनी यदि आप मिक्सी में करते हैं तो उसमें पानी बहुत हो जाता है। तो हम इसको आपको एक सिल, जो कि बहुत ही पारंपरिक, पहले इसी में मसाले पीसते थे, तो अब मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले से ही बहुत बारीक बारीक चीज़ें काट के रखी हुई हैं जो इसमें चटनी बनाने में लगेंगी। ये आंवला है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। ये अदरक है, बारीक काट ली है। ये लहसुन है, ये मिर्च है यदि आप लहसुन खाना चाहें तो, और ये आपका धनिया की पत्ती है। ये नमक है और ये जीरा है, भुना जीरा भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास पिसा जीरा है तो थोड़ा सा, एक आधा चम्मच आप वो भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने बारीक इसलिए कर लिखा है कि जब आप इसको सिल बट्टे में करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगी। अब आप इसमें सिल में आप सारी चीज़ें डाल दीजिए। ये आंवला, अदरक ले लीजिए, आप लहसुन ले लीजिए, यदि आपको लहसुन पसंद है तो लहसुन डालिए, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ये हरी मिर्च ले ली आपने, और ये धनिया की पत्ती थोड़ी सी, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है धनिया की पत्ती का। इसमें आप थोड़ा जीरा डाल लीजिए, और इसमें स्वाद अनुसार इसमें नमक दे दीजिए। अब आप जब नमक डालने के बाद आप इसको पीसिए। ये थोड़ा सा मेहनत लगती है, और इसको आप बड़े अच्छे से पीस करके आप, और चटनी इसमें बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। देखिए, अमचूर, धनिया, मिर्ची, अदरक सब पानी छोड़ने लगा है। इसमें आपको आजकल छोटे छोटे सिलबट्टे आपको बहुत से मार्केट में मिल जाएंगे, और जहाँ पर आपको लोहे का कढ़ाई वगैरह मिलती है वहीं पर आप पता करिए, आपको ये मिल जाएगा। और इस तरीके से आप जब चटनी बनाएंगे तो इस चटनी का स्वाद ही ये अलग होगा। बस हाँ, ये है कि ये थोड़ा मेहनत आपको जरूर लगेगी। आप भी सोचोगे जो काम मिक्सी में होता है उसको सिलबट्टे में क्या करना, लेकिन बस ये है कि सिल का पिसा हुआ, जो सिल के पीस करके जो चटनी बनती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है, खाने में भी स्वाद आता है। देखिए, जब हमने बारीक बारीक पीस लिया था तो ये बहुत ही जल्दी इसमें पिस रही है। ये आपकी चटनी इस तरीके से, और आपकी तो धीरे धीरे आप इसको महीन और कर सकते हैं। जितना आप इसमें पानी नहीं लगाइए, क्योंकि पानी अपने आप छूट रहा है, तो ये आपका अपने आप ही बहुत अच्छी पिस गई है। और थोड़ा सा दरदरी, जिसको हम कहते हैं, पूरी महीन पिसेगी तो वो तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और आपको थोड़ा सा इस तरीके से पीस करके, और आप उसको खाने में रहिए, बहुत ही स्वादिष्ट इसकी चटनी बनती है। पर मिक्सी में जो आप करते हैं वो थोड़ा सा पानी रहता है। ये जो बड़े बूढ़े हैं जो घरों में रह रहे हैं वो बता सकते हैं कि सिल की पिसी हुई चटनी का स्वाद कैसा होता है। अब आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये देखिए, ये आप चटनी जब आप इसको खा के देखेंगे तो इसका ये अलग ही स्वाद आएगा।